नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। सोशल मीडिया पर एक प्रोफेसर की भावुक कहानी और तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में क्लास को पढ़ा रहे प्रोफेसर ने एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में थामा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बच्चे को जन्म देते वक्त प्रोफेसर की पत्नी की मौत हो गई थी, इसलिए अब सारी जिम्मेदारियां बच्चे के पिता यानी कि प्रोफेसर खुद निभा रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप समेत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर और कहानी खूब वायरल है। फेसबुक पर आशु शाह जैसे कई यूजर्स ने यह दावा किया है। बिना किसी भाषाई सुधार के हम दावे को ज्यों का त्यों आपको बता देते हैं। लिखा है, इस प्रोफेसर की पत्नी बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई, लेकिन वो टूटे नहीं, ना उन्होंने हार मानी। वो आज भी बच्चे और कॉलेज की जिम्मेदारियां एक साथ अच्छे से निभा रहे हैं। वास्तविक जीवन का हीरो। ये दावा अंग्रेजी में भी वायरल है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों समेत न्यूज एंकर्स ने भी इस तस्वीर के बारे में लिखा है। आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने तस्वीर ट्वीट कर अंग्रेजी में जो लिखा उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, उनकी पत्नी बच्चे के जन्म के दौरान गुजर गई, लेकिन उन्होंने बच्चे और कॉलेज की कक्षाओं की जिम्मेदारी एक साथ निभाई। असल जिंदगी का हीरो। उनके इस ट्वीट पर आईपीएस अफसर प्रणव महाजन का जवाब आया। उन्होंने इसे अद्भुत बताया और अवनीश शरण से प्रोफेसर की डिटेल्स मांगते दिखे। न्यूज एंकर मीनाक्षी जोशी ने भी अवनीश शरण के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि मैं बहुत प्रभावित हूँ। रोजमर्रा के कामों के साथ समर्पित और प्यार करने वाला पिता बनना आसान बात नहीं है। मीडिया वाला और खबरी लाल जैसी कुछ वेबसाइट्स ने भी अवनीश शरण के ट्वीट के आधार पर खबर लिखी है और वही जानकारी शेयर की है जो ट्वीट में बताई गई है। अब बारी है पड़ताल की। हमने वायरल दावे की पड़ताल की। लल्लन टॉप की पड़ताल में ये दावा भ्रामक निकला। बच्चे को गोद में रखकर स्टूडेंट्स को पढ़ाते प्रोफेसर की ये भावुक कहानी भ्रामक है। दरअसल ये तस्वीर मैक्सिको की है और प्रोफेसर ने अपनी गोद में अपनी स्टूडेंट के बेटे को बांध रखा है। प्रोफेसर की पत्नी की मौत की बात भी गलत है। वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें यह तस्वीर सर पाड्रेस वेबसाइट पर मिली। वेबसाइट के मुताबिक यह तस्वीर 2016 की है। इस आर्टिकल में प्रोफेसर का नाम मोइसेस रेयस बताया गया था, जो उस वक्त इंटर अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर डेवलपमेंट मेक्सिको में कानून के प्रोफेसर थे। यहाँ से क्लू लेकर हमने सर्च किया तो हमें CNN स्पेनिश की एक रिपोर्ट मिली। CNN ने प्रोफेसर मोइसेस रेयस के एक फेसबुक पोस्ट के हवाले से ये जानकारी दी थी। प्रोफेसर रेयस ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वायरल होती है तस्वीर 6 जुलाई 2016 को पोस्ट की थी। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, मेरी एक छात्रा है जो अपनी अलग अलग भूमिकाओं के बावजूद स्कूल के बाहर नहीं हुई। क्लास में बिना बाधा नोट्स ले सके, इसलिए मैंने उसके बेटे को थामने का फैसला किया। बात अब प्रोफेसर और उनकी पत्नी की। मोइसेस रेयस की पत्नी जीवित हैं और दोनों का एक बेटा भी है। मोइसेस की पत्नी एरियाना इब्रा ने 21 जून 2020 को एक फेसबुक पोस्ट में मोइसेस को फादर्स डे की बधाई देते हुए उनकी और बच्चे की तस्वीर पोस्ट की है। मोइसेस की फेसबुक प्रोफाइल में दी जानकारी के मुताबिक वो आजकल मैक्सिको के अकपुल्को शहर में राजनीति और वकालत कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि ये वायरल तस्वीर हुई हो। 2020 में भी यही दावा वायरल हो चुका है। शब्दशाह वही बात जो आईएएस अवनीश शरण ने 2021 में लिखी है। जाहिर है अवनीश शरण की तरह 2020 वाला दावा भी भ्रामक है। तो नतीजा क्या निकला? गोद में बच्चे को बांधकर क्लास में पढ़ाते प्रोफेसर मोइसेस रेयस के नाम पर वायरल हो रही कहानी पूरी तरीके से भावुक है। मैक्सिको की इस घटना में तस्वीर में दिख रहा बच्चा टीचर का नहीं, उनके एक स्टूडेंट का है। प्रोफेसर की पत्नी जीवित हैं और उन दोनों का एक बेटा भी है। आपके लिए ये पड़ताल की थी हमारे साथी ओम ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।